अस्सलाम वालेकुम कहें स्टूडेंट आप सब लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं 2.6 का। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने देखे क्या लिखा हुआ, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 ना, 2 इज़ द रूट ऑफ द क्वेश्चन एक्स की 3 माइनस 28x प्लस 48 प्लस 0। क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों ने उसने हमारे पास क्या गिवन है। एक्स की क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 के। उसने कहा इसका जो रूट है वो क्या है, इज द रूट 2 है, तो 2 इसका रूट है। अब इसके ज़रिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या है, x के क्यूब के साथ क्या वैल्यू है, 1 लेंगे। 1 के बाद एक्स क्यूब एक्स आएगा, यहाँ पे 0 की वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या है, माइनस 28 प्लस 40 प्लस 48 रूट इसका क्या है, 2। एज इट इज़ पहली वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है, पहली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ उतारते हैं, पहली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 2 1। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 0 में से 2 निकालें तो क्या आएगा, 2 का 2 ही आएगा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 24 में से 28 में से 4 निकालें तो क्या आता है, 24 माइनस के 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 क्या आता है, 24 2 48 माइनस 48, 48 में से 48 निकालें तो 0 आएगा। तो हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या है, हमारे पास रिमाइंडर 0 है। और जो क्यूट एक्स है, क्वेश्चन क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसकी हम लोगों ने हमारे पास वैल्यू की थी, क्वेश्चन हमारे पास क्या बनती है इसकी, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू किसके है, 0 के, ठीक है। इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ रही है, माइनस ट्वेंटी फोर। एक्स बी की वैल्यू हमारे पास 2 2x प्लस, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1x की 2। हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करना है। 24 1 24 24 1 24, कुछ हमने पेयर अब देखे, फैक्टराइजेशन करनी, फैक्टराइजेशन के पेयर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो 6 4 24 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3 तो 2 2 4 4 और 2 3 6 ये देखें 2 3 6 और 4 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 24 6 में से माइनस करें 4 तो 2 आता है। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही, तो ये हम लोग पेयर बनाएंगे 1x प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 के। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ x कॉमन का आ रहा है, क्या बचा, x प्लस 6 माइनस 4 माइनस, अंदर माइनस है, माइनस x माइनस और माइनस प्लस 6 4 6 4 24 4 6 आ गया, x माइनस x प्लस 6 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 6 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लो और एक्स माइनस 4 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लो, एक्स माइनस 6 आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 के आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ती हूँ, उसने कहा 3 इज़ द रूट ऑफ द क्वेश्चन 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन, उसने कहा माइनस 1 इज़ द रूट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन 4x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 पार्ट है इसका, 3 पार्ट मैं करती हूँ, 2 पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इसका हम लोग टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे,
टेबल में पहले वैल्यू वाली 4, 1 माइनस 11 और क्या रही -6, ठीक है। इसका तो यहाँ पे उसने कहा इसका -1, -1 है, 4 1 एज इट इज उतार लेंगे, 4 को एज इट इज, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 माइनस का 4, -4 में से 1 निकाले तो क्या आएगा हमारे पास, -4 माइनस माइनस था इसके साथ -5, -5 आ गया, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -5 और -1 मल्टीप्लाई -5 प्लस का 5 आएगा, माइनस में से 6 11 माइनस 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 4 और -1 माइनस प्लस का 5 आ गया, 11 में से -5 निकाले तो 11 -11 में से 5 निकाले तो क्या आएगा 6, इस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा, -6 माइनस और -6 और 6 0, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, माइनस 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 का 11 माइनस का 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6 आएगा, 6 और 6 की तरफ 0, क्वेश्चन हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास होती है ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें गिवन है, सी की वैल्यू -6 और बी की वैल्यू -5 एक्स प्लस और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x³, ठीक है। अब हम लोगों ने पेयर ऐसे बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए, 5 आए, तो 6 4 24, 24 को करें 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6, 3 1 3, तो 3 2 5 2 2 4 4 2 8 8 और 3, तो इसके मतलब क्या बन रहे हैं हमारे पास पेयर बनेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल 2 2 4 4 2 8 8 और 3 8 3 24 बनेगा और 8 पे से 3 लेस करें तो क्या आएगा हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास इसके क्या पेयर बन रहे हैं, 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 3x इज इक्वल -6 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x प्लस 4x कॉमन आ गया, 4x क्या बच्चा x माइनस 4 2 8, 4 2 यहाँ पे 2 आएगा, 4 2 8 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, x अंदर बचा प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 0 क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x माइनस 2 जो है वो हमारे पास कॉमन, x माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के, x माइनस 2 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लेते हैं और 4x प्लस 3 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। x ये माइनस का यहाँ जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4x ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई हो जहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड -3/4, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 2 -3/4, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ सोल्व बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इफ उसने कहा a1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की 4 माइनस 10x का स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, उसने 2 रूट्स उसने बता दिए हुए हमें कि 2 रूट्स के जरिए हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का x की 4 माइनस 10x का स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्वेश्चन को पहले उतारा, क्वेश्चन को उतारने के लिए इसके बाद टेबल बनाएंगे, टेबल में पहली वैल्यू है एक्स का 4 की वैल्यू के साथ कुछ नहीं है 1 आएगा, इसके बाद एक्स की 4 के बाद पावर आती है एक्स की 3 तो यहाँ कुछ नहीं है 0 मेंशन करेंगे, 2 की वैल्यू है 10 तो -10 आ जाएगा और 1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 की वैल्यू की जगह पे 0 आएगा और 1 की जगह पे 9 आएगा, ठीक है। और इसने कहा कि मतलब 1 जो है इसका रूट है, 1 रूट है तो पहली वैल्यू एज इट इज़ आएगी 1 1 सा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, 1 को 0 में से 1 निकाले तो क्या आता है 1 ही आता है, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 10 में से 1 निकाले तो कितना आता है 9 आता है, इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है
फर्स्ट रूट हमारे पास ये था, सेकंड रूट उसने 3 दिया, 3 1 ज़ा, इसको यही वैल्यू सो रख फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा पहली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, 1 को 1 आएगा, तो ये देखें एज इट इज़ आएगा 1 आएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 कितने हुआ, 4 हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 को 3 से 12 मल्टीप्लाई करें, 4 3 से 12, 12 में से 9 माइनस का 9 निकाला तो क्या आएगा, 4 आया आंसर आएगा। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 9 निकाला तो 3 आता है। इस 3 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है, 9, प्लस का 9 और माइनस का 9 क्या बचा, 0 आंसर आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें इक्वेशन की वैल्यू फिट कर देनी है। इक्वेशन की वैल्यू क्या है, ए एक्स की स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सी की वैल्यू ये हमारे पास 3 है, 3 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 1x का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने देखना है फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन के लिए पेयर बनाने हैं, 3 1 ज़ा 3, तो पेयर बनाने के लिए देखें 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 1, 3 को 1 पेयर क्या बनेंगे, 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स के बाद देखें अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3 बचा पीछे, प्लस 1 कॉमन आ गया इसमें से, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 जो कॉमन आ गया पीछे बचा था, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के एक दफ़ा रख लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लेते हैं, एक्स माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस 1 प्लस का यहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो देन सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 एंड -1। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा हुआ, सेकंड पार्ट में उसने कहा है 3 एंड -4 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक्स का 4 प्लस 2x3 -13x² -14x+24 इज इक्वल टू 0 के। उसने कहा 3 और जो -4 है इसके रूट है। क्वेश्चन की तरफ भरते हैं, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हमें, चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 4 में लिखा हुआ है, 5 पार्ट में एक्स की 4 प्लस 2x³ -13x² -14x+24 इज इक्वल टू 0 के। सोल्यूशन करेंगे इसका, टेबल बनाना है, टेबल में पहले वैल्यू क्या गिवन है, सब वैल्यू की वैल्यूज गिवन है हमारे पास, x1 आएगा प्लस का 2 -13 -14 और प्लस का 24। ठीक है, उसने कहा है कि 3 पहला रूट है, 3 के जरिए हमने करना, देखते हैं ये क्वेश्चन। 3 पहली वैल्यू एज इट इज़ आती है 1, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 15 में से 13 निकालें तो क्या आता है 2, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6, 14 में से 6 निकालें तो क्या आएगा माइनस का 8, माइनस का 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस का 24, प्लस का 24 माइनस का 24 में से 24 निकालें तो क्या आएगा 0 हमारे पास आंसर है। आगे उसने कहा कि सेकेंड रूट जो है वो इसका -4 है, -4 जो इसका सेकेंड रूट है। ठीक है, पहली वैल्यू यही वैल्यू हम लोगों ने आकर लेके चलनी है, पहली वैल्यू क्या स्टूडेंट माइनस 1 है तो 1 एज इट इज़ आएगा, 1 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आएगा, 5 में से 4 निकालें तो क्या आएगा 1, इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4, माइनस का 4 में से 2 निकालें प्लस का 2 तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 को माइनस के 4 से करें तो माइनस माइनस प्लस और 4 2 8, तो 8 और 8 माइनस का 8 और प्लस का 8 है 0 एज इट इज़ आंसर आएगा। अब हम लोगों ने इक्वेशन वैल्यू इक्वेशन लिखनी, इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1x प्लस 1x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब हम लोगों ने इनके पेयर बनाने, फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, -2 को 2 1 ज़ा 2 पेयर ऐसे बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस आए 1 आए, तो क्या आएगा 1x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x -2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, इसमें से x कॉमन आ गया पीछे क्या बचा, x प्लस 2
माइनस वन कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा एक्स, माइनस का माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन कॉमन आ गया। एक दफ़ा अब एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रख दो, एक दफ़ा एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रख दो तो प्लस का टू है, यहाँ पे माइनस का जो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस का वन है तो यहाँ जाके प्लस का वन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का टू और वन। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टू पॉइंट नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम 2.7 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो काइंडली मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ओके, जल्ला हाफिज़।